14 जून को विश्व भर में विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया। इस अवसर पर एसएन मेडिकल कॉलेज के ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शहर भर के रक्तदाताओं ने उत्साहपूर्वक रक्तदान करते हुए दूसरों को भी इस पुनित कार्य के लिए प्रेरित किया। एसएन मेडिकल कॉलेज के ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग के एचओडी डॉक्टर नीतू चौहान ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश में 10 से 12 लाख यूनिट ब्लड की आवश्यकता रहती है, जबकि 4 से 5 लाख यूनिट के करीब ही रक्त उपलब्ध हो पाता है। हमारे यहाँ 980 बेडेड हॉस्पिटल है और इसमें 300 से 400 मरीज हमारे यहाँ डेली भर्ती होते हैं। HIV केसेस, डेस्टिट्यूट केसेस, जो JSY के केसेस होते हैं, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, इन सभी श्रेणी के मरीजों के लिए तथा जो लोग कैंसर से पीड़ित हैं तथा डायलिसिस जैसे मतलब असाध्य बीमारियों से पीड़ित हैं, उन सभी के लिए हम निःशुल्क के अलावा बिना रक्तदान दिए रक्त अवयव एवं रक्त उपलब्ध कराते हैं। इस अवसर पर राज्य एड्स नियंत्रण समिति के कार्यक्रम अधिकारी सौमित्र शेखर ने जानकारी देते हुए बताया कि विश्व रक्तदाता दिवस ब्लड ग्रुप की खोज करने वाले नोबेल पुरस्कार विजेता कार्ल लेड स्टीनर के 14 जून को होने वाले जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। विश्व रक्तदाता दिवस का उद्देश्य रक्तदान को बढ़ावा देकर सुरक्षित रक्त उपलब्ध कराना है। सी न्यूज के लिए अजय बहादुर की रिपोर्ट।